आज के समय में साउथ हो या बॉलीवुड फिल्में बिना महिलाओं का अधूरी मानी जाती है। हर जगह महिलाओं का अहम योगदान है। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनाई गई? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में हीरोइन का किरदार निभाने वाली कोई महिला नहीं थी बल्कि एक पुरुष था। जी हाँ, आप अपने कानों पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप सिनेमा लवर है तो दादा साहब फाल्के के नाम को जरूर जानते होंगे। यह वही शख्स है जिन्होंने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। दादा साहब ने 108 साल पहले देश को पहली फिल्म दी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। आपको मैं बता दूं, इस फिल्म को बिना आवाज के बनाया गया, यह साइलेंट मूवी थी। दादा साहब फाल्के को अपनी पहली फिल्म के लिए हीरो तो मिल गया लेकिन हीरोइन के लिए दादा साहब को काफी पापड़ बेलने पड़े। दरअसल जिस समय यह फिल्म बनी उस दौरान महिलाओं का पर्दे पर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि उस समय महिलाओं का पर्दे पर आना गिरा हुआ माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हीरोइन की तलाश में दादा साहब मुंबई की हर गली कूचे से लेकर रेड लाइट एरिया तक गयी लेकिन उन्हें कोई एक्ट्रेस नहीं मिली। यहाँ तक कि वेश्याओं ने भी फिल्म काम करने से मना कर दिया था। फिर एक दिन दादा साहब चाय के लिए एक ढाबे पर गए जहाँ एक वेटर उन्हें चाय देने पहुंचा। दादा साहब को वेटर की अंगुलियां और चाल डाल में थोड़ी महिलाओं वाली नजाकत नजर आई और दादा को लगा अगर इस आदमी को महिलाओं के कपड़े पहना दिया जाए तो यह बिल्कुल औरत की तरह दिखेगा। इस वेटर का नाम अणा सालुंके था। अणा को उस ढाबे में काम करने के लिए हर महीने 5 रुपए मिलते थे। इस बार दादा साहब ने 5 रुपए हर दिन देने का वादा करके अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए कास्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का किरदार निभाया। भारतीय सिनेमा में पर्दे पर नजर आने वाला पहली हीरोइन अणा सालुंके था। 3 मई 1913 को फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने खूब वाहवाही लूटी। रोचक बात तो यह है कि जिसने भी इस फिल्म को देखा किसी को शक भी नहीं हुआ कि तारामती का रोल कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष अभिनेता निभा रहा है। इसके बाद अणा सालुंके ने एक और फिल्म की जिसका नाम था लंका देन, जो भारत की पहली डबल रोल फिल्म थी। इसमें अणा सालुंके ने राम और सीता दोनों का किरदार निभाया था। गाइज, हमारे चैनल पर रैंडम फैक्ट्स और मूवी रिलेटेड वीडियो आते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।